नाश्ता कर रहे हैं, आज संडे का दिन है तो ड्यूटी से तो मैं वापस आ गई थी काफ़ी थक के, कल बहुत ज़्यादा काम किया हमने। और आज नौशीन आई हुई है, शहजाद की छोटी सिस्टर, इनके साथ आज हम और भी काफ़ी सारी वीडियोस बनाएंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग वाली इस वीक में मैं डालूंगी वीडियोस, तो आप लोग ज़रूर मेरी वीडियोस को वॉच कीजिएगा। तो अभी हम नाश्ते में लेके आए हैं शहजाद पूड़ी, लेके आए हैं हलवा पूड़ी। तो चले अब हम नाश्ता, आप कहाँ से लेके आए हो आज? आप अम्बाला से लेके आए हो कि कहीं और से? अच्छा अच्छा, अम्बाला की ना पूड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है तो अक्सर हम वहीं से ले आते हैं। चल आ कीजिए, आ जा तुझे भी नाश्ता कराए, आ जा इधर, किधर घूम रही है? इधर आ मामा के पास आ, उठा के उसको गोदी में बिठा लेना। ओपन ओपन योर माउथ। हमला हो गया। किधर आ मेरे बेटा, ये खाएगा? ये देख, ये ऐसे वाला बेटा की कबू कर नान्या नान्या क्या खाएगा? ये देख किसी है, खा ले किसी, खा ले मेरा पुत्र। ये देख, ये भी लगा दे। हाय नहीं, वो नहीं लगा, वो मर्ची है। तो अभी मैं बीफ बना रही हूँ, ये देखें इसको भून रही हूँ। अब इसमें मैं जो है वो डालने लगी हूँ योगर्ट, ये जी मैंने योगर्ट रखा हुआ था इसमें डालने के लिए, और मैंने थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डाला है क्योंकि गोश्त में जो है वो दही डाला हुआ बहुत अच्छा लगता है। तो अब इसको मैं अच्छी तरह से जो है वो फ्राई कर लूँगी, भून लूँगी गोश्त को, गल गया हुआ है गोश्त, और उसमें हल्का सा हम पानी डालते हैं क्योंकि जो उसके बाद हंसपे ज़रूरत आप पानी डाल सकते हैं। अगर आपने शोरबे वाला गोश्त बनाना है तो तब भी आप कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर ग्रेवी वाला बनाना है, मैं ग्रेवी वाला बनाने लगी हूँ तो मैं थोड़ा सा बिल्कुल पानी डालूँगी। और अभी देखें दही और टमाटर डाले हो ना, इनसे तो बहुत ही टेस्टी आता है, जायका बहुत अच्छा आता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है ये। बाद में जब खाने की टेबल पे बैठेंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अब बस थोड़ी सी डालना, हाँ आज दोपहर का लंच इतना ज़्यादा लेट हो गया, 4 बज चुके हैं, और खाना खाने के बाद हमने जाना है शहजाद की छोटी सिस्टर के घर, वो मैरिड है और उससे मिलने के लिए जाएंगे। हाँ मैंने आप लोगों को दिखाना है मैंने कैसा बनाया है मीट, तो ये है इसकी फाइनल लुक, देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, खा के देखते हैं। हाँ खीजी का पीछ खा रही है, खाने लगी अभी। रुक क्या खा रहा है? काट दो उसको, काटने दे, चले तो खड़ी हो के काट के देती इधर पप्पू ना। गोश्त गल गए? थैंक यू। ये ले, आज हमने बहुत सारा काम किया है, घर की सारी सेटिंग चेंज की है, खाना वगैरह बनाया, कपड़े धोए हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। तो अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़, टेक केयर।